नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस लेटर ग्रुप डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक बहुत ही खास सब्जेक्ट है लोन के ऊपर, कि लोन हम क्यों लें, कब लें और क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स का, हमारे दोस्तों का भी कॉल आता है, मैसेज आता है, कमेंट्स आता है हमारे कि लोन हम लेना चाहते हैं लेकिन हमें डर लगता है। कई व्यूअर का हमारे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है कि मेरी इनकम तो है लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद सकूं। लोन लेके, आपका मैंने पीछे वीडियो देखा है कि लोन लेके हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं लेकिन हमें उसमें डर लगता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमें लोन लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या चेक करनी चाहिए। इन सब बातों पे बहुत सारे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले समय में आपको इस तरह की वीडियो नॉलेजेबल रियल एस्टेट के ऊपर, चाहे इसके अलावा प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट रिव्यू हो, रियल एस्टेट के ऊपर हो, प्रॉपर्टी मंत्रा हो, चाहे डिफेंस वेलफेयर न्यूज़, हमने कंबाइन तरीके से हर वीक में एक एक वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं आपके सुझावों के अनुसार, तो आपको मिलता रहे और कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट खुद से करता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने एक प्रॉपर्टी ली अराउंड 80 लाख की, जिसमें 60 लाख का लोन लिया, 20 लाख का सेल्फ फंडिंग था। अब 80 लाख में जो प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू है अराउंड 48,000, मेरी जो किस्त जा रही है 60 लाख की अराउंड 58,000, तो 10,000 का डिफरेंस है। जो मैंने पीछे भी वीडियो में बताया हुआ है हमारे कि पॉजिटिव और निगेटिव कैश फ्लो, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा लगभग 10,000 का निगेटिव कैश फ्लो वहाँ से है। अब आप लोग का सवाल होगा कि राकेश जी, आपने तो बताया कि 80 लाख की प्रॉपर्टी है, 48,000 का रेंटल कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए मैंने जो सेलेक्ट किया कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक मुझे मिल गई और रेंटल वैल्यू प्री लीज प्रॉपर्टी मैंने ली है, सो दैट डे वन से मेरे पास रेंटल आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि लगभग 10,000 में साल का लगभग 1,20,000 का मेरा निगेटिव कैश फ्लो है। अगर 10 साल की मैं बात करूं तो मेरे पास लगभग 12 लाख का निगेटिव कैश फ्लो है। मैंने ये काम लोन लेके किया है। अगर मैं बात करना चाहता हूं कि इसमें से अगले 10 साल में जो मैं ईएमआई दे रहा हूं उसमें से लगभग 30-40% हमारा जो प्रिंसिपल भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए कि अगर 10 इयर्स के स्पैन में मेरी प्रॉपर्टी वहीं की वहीं खड़ी है तो मैं बात करूंगा कि 12 लाख रुपया मेरा नेगेटिव कैश फ्लो था लेकिन मैंने ईएमआई के रूप में जो अपना प्रिंसिपल भी पे किया है वो 12 लाख से ज़्यादा है। इफ़ इट्स स्टैंड द सेम रेट आल्सो आई एम नॉट द लूज़र। हाँ, मेरा 20 लाख का प्रिंसिपल अपना खुद का लगा हुआ है। एवरेज में अगर ऑन रिसर्च देखूँ, मार्केट एनालिसिस देखूँ जो मैंने खुद प्लान किया हुआ है, तो अगले 10 साल में जो 80 लाख की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कम से कम 3-4 करोड़ की, मैं कहता हूँ कि अगर करोड़ की भी होती है तो मेरा लगभग जो प्रिंसिपल 20 लाख का लगा हुआ है वो हमें जस्टिफाई हो जाएगा, उसका ब्याज निकल जाएगा और जो मेरा 10,000 का निगेटिव कैश फ्लो है वो ईएमआई में हमारा एडजस्ट हो रहा है, जो हम बात करें कि हमारा प्रिंसिपल कम हो रहा है। तो मैं अपने एग्जांपल से आपको क्यों समझाना चाहता हूँ कि जब भी प्रॉपर्टी लें तो आप देखें कि उसमें कैश फ्लो आपके पास क्या आ रहा है, स्पेशली लोन के। अगर कैश फ्लो अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपने एक 50 लाख का घर लिया है और उसमें 40 लाख का लोन लिया हुआ है, आपका ईएमआई 37,000 जा रहा है और उसकी रेंटल वैल्यू 20,000 है, तो 17,000 रुपये का आपका निगेटिव कैश फ्लो है। अब आपने ये देखना है कि अगले 5 साल में प्रॉपर्टी कितनी ग्रो करने वाली है। मैं अपना रेंटल भी तो दे रहा था, या मैंने रेंट पे चढ़ाऊंगा या मैं खुद रहूंगा, तो अगले 5 साल में प्रॉपर्टी कितनी ग्रो करने वाली है और बैंक के कोलैटरल सिक्योरिटी के कारण आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बना ली जो एवरेज 5-7 साल में 1 करोड़ के ऊपर की हो,
तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है तो इस डर को मन से निकाल दे कि लोन लेंगे तो क्या होगा, मेरे ऊपर बर्डन होगा। बर्डन से ही होगा क्या कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। दूसरी बात आती है कि जब भी हम लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक माइंडसेट होता है कि अपने खर्चों को, जो हमारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलते हैं ना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास फंड होता है, हम परचेज कर लेते हैं, उसको हम कट करते हैं। तो आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंस को कट करते हैं, अपनी प्लानिंग को बहुत चुस्त दुरुस्त करते हैं। जो हम बताते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जब भी आप लोन लेंगे तो आपको पता है मेरा ईएमआई सर्टेन डेट को, 5 को, 10 को जाना है। आप ईएमआई के पैसे बचा के सबसे पहले ईएमआई क्लियर करेंगे, उसके बाद बाकी काम को करेंगे। तो मेरे अनुसार से आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है तो लोन ज़रूर लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और प्लान करें। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ा लोन। इसके ऊपर मुझे याद आता है बॉलीवुड की लेटेस्ट एक वीडियो वायरल हो रही है राजकुमार राव की, जिन्होंने कहा कि मैंने जो घर लिया 40 करोड़ का वो मेरे औकात से ऊपर थी, लेकिन मुझे शाहरुख खान सर की एक बात याद थी कि जब भी घर की सोचो, बड़ा सोचो और अपने औकात से बड़ा लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर वाला भी देखता है कि इंसान बड़ा सोच रहा है, आपको बड़ा काम देगा और ऑटोमेटिक आप बड़े काम की तरफ सोचोगे। और जब से मैंने घर लिया मेरा काम बढ़ गया। दोस्तों, मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लें, लेकिन जब भी आप घर की सोचें तो कम से कम जो प्लान किया हुआ है उससे 10-15-20% ऊपर की सोचें। और हमारे मैक्सिमम व्यूअर जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सर्विस क्लास के हैं, अब बिजनेस इंटरप्रेन्योर हैं, यंग इंटरप्रेन्योर हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप घर बड़ा जो भी आप प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 50 लाख का बजट है तो आप 55-60 तक बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे लोकेशन पे हो जाएगा, आपकी सोच के अनुसार बेटर हो जाएगा। आप उसको लें और अपने काम पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें। और ऑटोमेटिकली मैं एक चीज़ और बताऊँगा, अगर आपने 15-20% की अपनी लिमिट को बढ़ाया है तो ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर भी आप अपने खर्च को, अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्च को कर्टेल करके मेंटेन कर पाएंगे। तो आज आप लोगों के सुझाव पे मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि जब भी घर की सोचे, बड़ा सोचे, अच्छा सोचे, सुंदर सोचे। कई व्यूअर के कमेंट्स थे, उनका एक सवाल था कि लोन लेना हमेशा अपने आप पे लायबिलिटी बनाना है। तो आज मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी लोन लायबिलिटी है, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक घर खरीदा लोन लेके, घर से आपकी मंथली इनकम आ रही है, ऑल दो ये लायबिलिटी है, लेकिन उस लायबिलिटी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी स्टैग्नेट है, अगर रेट नहीं भी बढ़ता है और कुछ इनकम भी आ रही है, तो लायबिलिटी पोर्शन आपका कम होता जा रहा है, इसको मैं प्रॉपर्टी में काउंट करूँगा। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो लेके आने वाला हूँ। लायबिलिटी आप समझिए, आपने एक लोन लिया, कार खरीदा, आपने 10 लाख का कार खरीदा, साल के अंदर कम से कम 20-25% का डिप्रिशिएशन हो जाता है, उसकी वैल्यू अगले साल कितनी होती है, 7.5-8 लाख। जबकि वही अगर प्रॉपर्टी आपने लिया हुआ है तो 10 लाख की वैल्यू 11 लाख होगी, 12 लाख होगी, वैल्यू बढ़ेगा। अगर स्टैग्नेट भी है, बहुत रेयर चांस है कि प्रॉपर्टी स्टैग्नेट होती है। अगर रेंटल इनकम वाली है तो हर महीने रेंटल इनकम भी आ रहा है, टैक्स बेनिफिट भी आ रहा है। तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल कार लिया आपने और कार का डिप्रिशिएशन हुआ, साथ में उसका क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, बाकी एक्सपेंस होता है, वो आपकी लायबिलिटी में काउंट होता है, लायबिलिटी के साथ साथ डिप्रिशिएशन का पार्ट है। तो दोस्तों, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए आज तक हिंदुस्तान में चाहे वर्ल्ड वाइड, आप देखेंगे हर किसी ने मैक्सिमम लोन को अवेल किया हुआ है। हाँ, उसका स्मार्ट वर्क करना है कि जो हमने लोन लिया है, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में है, हमारा इन्वेस्टमेंट घर में है, हमारा इन्वेस्टमेंट किसी प्रोडक्ट में है, क्या वो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या वो फ्रूटफुल है, और क्या उस पैसे को, लोन को भी जहां हमने इन्वेस्ट किया है वहां के प्रॉफिट से, वहां के काम से निकाल के हम लोन को चुकता कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लोन लेने के बाद टाइमली पेमेंट और उसके साथ साथ भी यह निश्चित करना कि लोन का पेमेंट सही टाइम पर जाए, लोन हम जो ले रहे हैं
उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े और हम सही टाइम पे लोन को ख़त्म करके अपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाएं और अपनी जो बोलते हैं ना वेल्थ को क्रिएट करें। कई व्यूअर्स का सवाल होता है कि लोन लेके क्या हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते गोल्ड में, तो मैं बताना चाहता हूँ देखिए वो सर्टेन नहीं है, रियल एस्टेट में भी कई बार सर्टेन नहीं होता है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है हमेशा सेफ है, लीगली करेक्ट अगर आपकी प्रॉपर्टी है पोजिशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गोल्ड में फिजिकल होल्डिंग का रिस्क है, रेगुलर इनकम का रिस्क है, और शेयर मार्केट की मैं बात करूँ शेयर मार्केट में आपका पैसा बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता हूँ कि आप लोन लेके गोल्ड खरीदें शेयर मार्केट में लगाएं। हाँ, प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदें, प्रॉपर्टी बनाएं, ये हमेशा से मेरा अपना विचार रहा है, हमने अपने साथ में अपने दोस्तों को सजेस्ट किया है और आज वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों लोन की लायबिलिटी हमेशा आपके पास, जब भी लोन की लायबिलिटी होती है तो आपको एक बैलेंस भी बनाता है कि आप अपनी इनकम को और बढ़ाएं अगर आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो कई जगह पे आपको ऑप्शन भी होता है कि आप एक्स्ट्रा जॉब कर लें, पार्ट टाइम काम कर लें, अपने आप को ग्रो करें, किसी बिजनेस में आप पार्ट बने। आजकल फैमिली बिजनेस भी चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद जॉब में हैं, आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, उनके नाम पे कोई बिजनेस खड़ा करें और अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाएं। और ये तभी होगा जब आपकी लायबिलिटी पोर्शन में अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी बढ़े और वहां पे लोन का अमाउंट हो, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा कि मैं इसको रीपे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्य करूँ, कुछ बढ़िया काम करूँ, अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, अपने कार्यशैली को निखारूँ और उसे पैसे कमाऊँ। अब एक फाइनल पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन का। जब भी आप प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें बैंक को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि बैंक एक कोलेटरल गारंटी देता है कि ये प्रॉपर्टी सही है। बैंक लीगलिटी को भी चेक करता है, उसकी अगर करेंट वैल्यूएशन की मार्केट वैल्यूएशन, करेंट वैल्यूएशन, पोजिशन सब कुछ चेक करने के बाद ही लोन देता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला पार्ट है कि अगर बैंक इन्वॉल्व हो गया तो आपका 90% काम पूरा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर रीसेल में हैं तो क्या उसका मॉर्गेज कोई है उसके ऊपर, उसका लास्ट 13-30 साल का लैंड का रिकॉर्ड इसको जरूर चेक करें। फिजिकल पोजिशन जिससे आप ले रहे हैं क्या उनके पास फिजिकली पोजिशन है आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी कंपनी से ले रहे हैं तो वहाँ पे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना क्या है, कितनी डिलीवरी है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, जो भी कोई आपके पास ब्रोकर है क्या वो रेरा ऑथराइज है, उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, कितने सालों से मार्केट में काम कर रहा है, उसके एडवाइस पे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, इन चीज़ों को जरूर देखें। और लोन लेने से पहले हमारी अपनी एक डिफेंस लेटर के एक्सपर्ट पैनल में हमारा लोन का एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, क्योंकि जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं लोन की सारी फॉर्मेलिटी हमारी टीम करती है, उनकी एक एक चीज़ों को हम बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनकी लोन लायबिलिटी को भी देखते हैं और फ्यूचर रीपेमेंट को भी देखते हैं। इस बात का ख्याल, खास ख्याल हमारी टीम रखती है कि हम किसी कस्टमर को प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा लिवरेज ना हो जाए, उसकी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा भी ना हो। हम कहते हैं कि थोड़ा सा हो, 15-20% तक आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होने पे क्या होगा, कल हो के वो लोन ब्रेक होगा, लोन की किस्त जब टूटेगी तो बैंकर आपसे वो प्रॉपर्टी आपसे वापस ले लेगा, उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं जो मॉर्गेज है बैंक के पास वो दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, और कहीं भी कोई आपको ज़रूरत हो, बात करनी हो, तो हमारे एक्सपर्ट पैनल के नंबर नीचे दिए लिंक में मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट्स करके आप अपडेट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, और हमारा लोन का इस सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपडेट करें, और इसी तरह आने वाले समय में हर वीक संडे को 11 बजे हम आपके लिए डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ में नए नए टॉपिक पे नई नई चीज़ें लेके आते रहें। धन्यवाद आप।